टाइम पे ना देखूं तो मौत हो जाएगा। ये कफिल लोग बहुत डांट लगाते हैं, और कुछ कफिल तो ऐसे भी हैं फ्रेंड्स कि अपने आमिल का, अपने आदमी का पैसा भी काट देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपना एक ऐसा काम बताने वाला हूँ जो मैं करता भी हूँ, और वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि फ्रेंड्स मेरा वादा है ना कि ये बहुत भाई लोग, बहुत क्या 100 में तकरीबन 80% भाई लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये वैसे ज़रूरत क्या है करने की, तो मान लीजिए हम मजबूर है तो करते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है। तो भाई आप लोगों को पता होगा कि मैं सऊदी अरब मजरा में हूँ, और यहाँ सीन भी आप लोग देख रहे होंगे। अभी शाम का टाइम है, मैं सारा काम अपना करके, यहाँ देखिए सारा काम अपना करके थोड़ा फुर्सत निकाल के वीडियो बना रहा हूँ। अभी 1 साल हो गया हमको, पता होगा भाई आप लोगों को, मैं वीडियो में बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स कई काम इससे पहले मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, तो मजरा का काम तो इसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन हाँ ये काम शायद बताऊँगा फिर याद आएगा आप लोगों को। ऐसे तो घर का जो जिसमें बकरियाँ रहती है वो भी साफ करना पड़ता है, वो भी दिखाया हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे भी खतरनाक काम है ये मजरा में। और जो भी आदमी मजरा में आएगा या बकरी के काम में आएगा फ्रेंड्स, उन लोगों को ये काम तो करना ही है, चाहे रात हो या दिन हो, कभी भी करना पड़ सकता है, कभी भी करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो हम तो जब से आए हैं तकरीबन ज़्यादा नहीं, फिर भी 10 से 12 बार करना पड़ चुका है हमको। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बकरियों का जो बच्चा देती हैं, या भेड़ है जो बच्चा देती है, उन लोगों को संभालना। भाई सच बता रहा हूँ आप लोगों से ना, मैं जो लोग करते थे इंडिया में ना, तो मैं सोचता था कि यार उनके, सच बता रहा हूँ भाई, आप लोग नाराज मत होना, दिल से कह रहा हूँ ये बात, कि मैं सोचता था कि उनके हाथ से खाना भी ना खाऊं, ऐसा लगता था। लेकिन ये देखिए किस्मत और इंसान की मजबूरी। कुछ लोग कहते हैं भाई लोग कि यार इंडिया में आ जाओ, इंडिया में पैसा नहीं है। भाई इंडिया में भी पैसा है, लेकिन अगर इसी तरह से पैसा होता तो मैं क्यों आया होता, वो भी पैसा लगा के आया हूँ यहाँ पे, फ्री में भी नहीं आया हूँ, पैसा लगा के आया हूँ। तो फ्रेंड्स बकरियाँ जब बच्चा देती है तो उस टाइम में समझ लीजिए कि सारा काम आप लोगों को पता होगा, टोटल काम करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बकरियाँ या भेड़ है जो चर रही हैं, मुझे तो चराने नहीं जाना पड़ता है, आप लोगों को पता होगा वीडियो में मैं बताता हूँ, इसी मजरे के अंदर सब घूम के चरती हैं सब। कभी कभी ऐसा होता है कि चरते चरते बच्चा दे देती है सब, तो दौड़ दौड़ के देखना पड़ता है, हमेशा कोई भी काम कर रहा हूँ दौड़ के देखना पड़ता है, तो जाके उन लोगों को संभालना पड़ता है। एक दिन की बात है फ्रेंड्स, मैं था मजरा में, और हमारे साथ हमारा कपिल भी था, तो हम दोनों लोग मजरा में थे, और भेड़ यहाँ से चरते चरते चली गई से मजरा में। तो मेरा कपिल देख रहा है, बोल रहा है वो अभिषेक, वो देखो वो छोटा बच्चा कहाँ से आ गया। वो शाम की बात है फ्रेंड, मैं देखने लगा, मैं भी सोचा कहाँ से बच्चा आ गया। तो मैं जब नज़दीक, वो भी दौड़ रहा था पूरा, दो बच्चे थे दौड़ रहे थे, तो जब मैं नज़दीक गया तो देख रहा हूँ तरीका, ये तो यही भेड़ का बच्चे है सर। वो ऑटोमेटिक बच्चा दे दी थी, किसी को पता भी नहीं था, और दूध दूध सब पिला दी थी बच्चों को, और लेके साथ में घूम रही थी, हम दोनों को पता ही नहीं चला। और कभी कभी ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, अगर जो आमिल है यहाँ पे, जैसे मैं हूँ, अगर ध्यान नहीं दिया, वो जैसे बकरी बच्चा दे रही, ध्यान नहीं दिया, तो ये लोग बहुत नाराज होते हैं। ऐसे तो मेरे साथ अभी कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा ध्यान देता हूँ। मैं सोचता हूँ भी ये यहाँ पे आया हूँ, कफिल हमको पैसा दे रहा था, ये हमारा कर्तव्य है कि मैं उसको हमेशा देखते रहूँ, ताकि बच्चों को मतलब मौत ना हो, अगर टाइम पे ना देखूँ तो मौत हो जाएगा। ये कफिल लोग बहुत डांट लगाते हैं, और कुछ कफिल तो ऐसे भी हैं फ्रेंड्स कि अपने आमिल का, अपने आदमी का पैसा भी काट देते हैं। मैं यहाँ पे कई देखा नहीं हूँ, लेकिन कई लोगों से ये बात सुना हूँ। तो फ्रेंड्स यही सब काम होता है यहाँ पे, करना पड़ता है। लेकिन हाँ ये मजरा में ये दो ही काम है फ्रेंड्स, सबसे सबसे गलत काम ये मजरा में यही है, एक तो बकरी का बच्चा, तो यहाँ मैं वीडियो शो कर रहा हूँ, देखिए। एक दिन की बात है फ्रेंड्स, मैं मजरा से आया तो देख रहा हूँ ये भी भेड़ बच्चा दे दी थी, और बच्चा देने के बाद ये पता नहीं बच्चा दी यहाँ कहीं और लेकर बच्चा को कहीं और चली गई थी। बच्चा वहाँ पे धीरे धीरे बैठ रहा था, उठ रहा था, उसके बाद दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं देखा उसको, फिर उसको पकड़ के अंदर बंद किया, उसको दिया चारा वारा खाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो ही काम सबसे बुरा काम है, एक तो बकरियों का जो बच्चा देती है ये, क्योंकि ये सब लोगों से नहीं हो पाएगा। बहुत भाई लोग कहते हैं मजरा में जाएंगे, मजरा में जाएंगे, या हमसे भी कमेंट करते हैं कि भाई बीजा है तो आप बताओ। तो फ्रेंड्स ये दो काम है, मैं बता दूँ, पहला तो बकरियाँ जो बच्चा देती है, भेड़ बच्चा देती है सब ये, और दूसरा काम हो गया फ्रेंड्स
जो इन लोगों का जो ये घर होता है वो साफ करना, समझ लीजिए इतना ज्यादा बदबू करता है। तो मैं वीडियो में दिखाया हूँ आप लोगों को फ्रेंड, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा बदबू करता है। ये दो काम अगर जो लोग कर लेंगे ना, कोई मजरा में रह सकते हैं, नहीं तो सब नहीं रह पाएंगे मजरे में, यही बात है फ्रेंड्स। तो अभी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, अब हो सकता है कि मैं दिखाई ना दे रहा हूँ सही से। तो देखिए मैं जब छुट्टी मिलता है तभी वीडियो बना पाता हूँ फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा भी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।